अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने घर के सोलर फ़ैन का रिव्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी फ़र्स्ट जो वीडियो थी वो सोलर प्लेट्स के ऊपर थी, तो उसी के हवाले से आज मैं आपको अपना सोलर फ़ैन दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरे पास दो सोलर प्लेटें लगी हुई हैं 150-150 वाट की, जो 7 एम्पेयर तक जो एक प्लेट देती है मुझे। तो आज का जो रिव्यू है वो सोलर फ़ैन के ऊपर है, तो मैं आपको सोलर फ़ैन के बारे में मज़ेदार इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। दोस्तों सोलर फ़ैन जो है वो तो बहुत सारी इकसाम के होते हैं, लेकिन जो मेरे पास लगा उसके बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों ये जो मेरे पास फ़ैन लगा हुआ है ये 27 इंच इसका साइज़ है। ये यहाँ से सेंटर से मैंने मैयर किया था, और फ़ैन के जो है इसका ब्लेड इसके एज तक ये 27 इंच मांग रहा था, यहाँ से लेकर वहाँ तक। वैसे अगर सिर्फ इसके पर का इसका जो ब्लेड है सॉरी इसकी मेजरमेंट की जाए तो ये 24 इंच बनते हैं। और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर गोल्डन कलर की लाइन लाइन बनी हुई है, जिसके साथ उन्होंने कुछ लीफ वगैरह पत्ते वगैरह बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन में मिल जाते हैं ये मार्केट से, लेकिन यहाँ पे जो नोट करने के वाली बात है वो सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि डिज़ाइन चाहे कोई भी हो, कलर चाहे कोई भी हो, लेकिन आपने जब परचेज़ करने जाना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप दुकानदार से ये कंफर्म कर लें कि ये जो फ़ैन है ये कितने वोल्ट तक सपोर्टेड है। सॉरी दोस्तों जान हो रही है, मैं कुछ देर बाद दोबारा वीडियो को चलाऊँगा। अभी मैं इसको यहीं पर जो है म्यूट सॉरी स्टिल करने लगा हूँ जी। तो दोस्तों अजानें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब मैं आपको बता रहा था कि आपने जो है इसके अंदर कौन सी बात नोट करनी है। ये वाइट कलर है इसमें, वैसे तो डिफरेंट कलर मिल जाते हैं, लेकिन जब आपने मार्केट से परचेज़ करना है सबसे पहले आपने ये कंफर्म कर लेना है कि ये कितने वोल्ट पे ऑपरेशनल हो जाता है। तो दोस्तों ये जो मेरा फ़ैन है इसकी ख़ास बात ये है कि ये 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक ये चल सकता है, यानी कि मिनिमम इसको 8 वोल्ट मिलें और मैक्सिमम इसको 24 वोल्ट भी मिलें तो ये चलता रहेगा, और इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। बस 8 से 24 वोल्ट के दरमियान में ये ऑपरेशनल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि इसको हम डायरेक्ट सोलर प्लेटों के साथ अटैच कर सकते हैं, यानी कि जो 12 वोल्ट के नॉर्मली फ़ैन होते हैं उनको सिर्फ आप कंट्रोलर के साथ या बैटरी के साथ अटैच करके चला सकते हैं, सोलर प्लेट के साथ डायरेक्ट नहीं ऑपरेट हो सकते क्योंकि वो बर्न हो जाते हैं। उनकी जो अंदर कॉइल होती है वो 12 वोल्ट तक सपोर्टेड होती है, तो सोलर प्लेटों से 24 वोल्ट तक भी आते हैं, तो जिसकी वजह से फ़ैन डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये थी मेरे वाले फ़ैन की खूबी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन इसका एक और भी हल है। अगर आप डायरेक्ट सोलर प्लेट्स के साथ किसी फ़ैन को चलाना चाहते हैं और आपके पास ये वाला फ़ैन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप दो फ़ैन को 12 वोल्ट के दो फ़ैन को सीरीज़ में चला लें तो वो डायरेक्ट प्लेट्स के साथ चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसका नुकसान ये होगा कि जब 24 वोल्ट से कम उसको मिलेंगे फ़ैन को, तो एक तो फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और दूसरा ये है कि उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं मिलेगी, ना तो उसकी एयर का मज़ा आएगा और ना ही उसकी जो है ना वो एयर प्रेशर की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये इस फ़ैन का ये फ़ायदा कि अगर आप इसको 8 वोल्ट भी देंगे तो तब भी ये उसी स्पीड पे चलेगा, और 24 वोल्ट देंगे तो तब भी ये उसी स्पीड पे चलेगा जो इसने 12 वोल्ट के फ़ैन की स्पीड पे दे चलना होता है। तो नॉर्मली मैं तो इसको 12 वोल्ट पे चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 12 वोल्ट के सेटअप लगा हुआ है, लेकिन ये 12 वोल्ट पर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि आप 8 से 24 वोल्ट के अंदर जो स्पॉटेड का फ़ैन उसको परचेज़ करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सोलर के जो फ़ैन हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं। दोस्तों एक तो ये सीलिंग फ़ैन है जो मेरे पास लगा हुआ है, और एक इस तरह का ब्रैकेट फ़ैन होता है, ये सोलर फ़ैन नहीं है लेकिन इस तरह के ब्रैकेट फ़ैन मार्केट में अवेलेबल हैं, और एक पेडिस्टल फ़ैन होता है जो ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है, जैसे चार्जिंग फ़ैन आजकल नॉर्मली चल रहे हैं 12 वोल्ट के। तो उसके अलावा दोस्तों कूलर भी अवेलेबल हैं अब तो मार्केट में 12 वोल्ट तक, जो 12 वोल्ट के ऊपर कूलर के अंदर एक पंप भी लगा होता है 12 वोल्ट का, और 12 वोल्ट की मोटर भी लगी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो चुकी है,
तो इंशाल्लाह ताला जो जो चीज़ें मेरे पास हैं या जो जो मैं आपको रिव्यू करवा सकता हूँ और जो जो उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों इस फ़ैन में भी दो किस्म के फ़ैन होते हैं, सीलिंग फ़ैन में एक रिमोट फ़ैन और एक नॉन रिमोट। तो प्रेफर तो मैं आपको यही करूँगा कि आप रिमोट के बगैर वाला फ़ैन लें, क्योंकि रिमोट कंट्रोल की अगर किट ख़राब हो जाए तो वो एक तो रिपेयर ईजीली नहीं होती, दूसरा ये है कि वैसे भी वो रिमोट कंट्रोल वाला फ़ैन काफ़ी कॉस्टली है, वो तकरीबन 4 से 6 हज़ार के दरमियान, 4 का तो नहीं 5-6 हज़ार का मिल जाता है। तो एक तो आपके पैसों की भी बचत होगी और बाद में आपको रिपेयरिंग का भी कोई इशू नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें एक और फ़ैन में टाइप्स होती हैं, एक बेयरिंग वाला फ़ैन होता है, एक नॉन बेयरिंग जिसमें बुश लगे होते हैं। तो मेरे वाला फ़ैन जो है ये बेयरिंग वाला फ़ैन है, बेयरिंग वाले फ़ैन का भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और बुश वाले का डिसएडवांटेज है। वो ये है कि बेयरिंग वाला जो है एक तो वो कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, बुश वाला जो होता है उसके अंदर बुश लगे होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जब बुश आपके ख़राब हो जाते हैं तो आपका फ़ैन नहीं चलता। बेयरिंग तो रिप्लेस भी हो सकते हैं, अगर बाई चांस ही अगर ख़राब भी हो जाए तो इसके बेयरिंग रिप्लेस हो जाएंगे। मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा बेयरिंग वाले का जो है वो क्या, इसके आप डिफरेंस क्या है बेयरिंग वाले का और उसको चेक करने का डिफरेंस क्या है। तो और इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये ब्रांड कोई नहीं है चाइना का, मोस्टली ज़्यादा तो चाइना के ही होते हैं, इसका ब्रांड नेम तो कोई नहीं था जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था। और दूसरा इसका एयर प्रेशर भी अच्छा है, नॉइज़ी भी इतना नहीं है, बस जब स्टार्ट होता है तो बेयरिंग की वजह से वो थोड़ा सा झटका लेता है, उसका भी कोई इतना ज़्यादा शोर नहीं होता। और सोलर प्लेट के साथ ये डायरेक्ट भी चल सकता है। और इसका मैं अब आपको डिम्बर दिखाता हूँ, इसका जो डिम्बर लगा हुआ है इसके साथ जो मिला था, ये डिम्बर है इसके साथ जो लगा हुआ था, ये मैं आपको इसको फोकस करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर नंबरिंग भी है, ये 0 से लेकर 4 तक है। 0 पे नॉर्मली तो ऑफ होता है, 1 पे फुल होता है और 4 पे जो है इसकी, जैसे जैसे आप इसको आगे करते हैं ये इसकी स्पीड कम होती जाती है, यानी कि 0 पे बंद है, 1 पे फुल स्पीड, 2 पे थोड़ी कम, 3 पे उससे थोड़ी कम, 4 पे बिल्कुल ही कम। लेकिन ये मैंने उल्टा लगा दिया था, ये देखें आप उल्टा लगा हुआ है। दूसरी बात ये है कि इसके कनेक्शन भी मैंने उल्टे ही कर दिए थे, ये अब उल्ट जा रहा है, ये अब 4 पे फुल स्पीड होती है, 3 पे उससे कम होती है, 2 पे उससे कम, 1 पे बिल्कुल ही कम और 0 पे बंद हो जाता है। इसका कोई इशू नहीं है, ये कनेक्शन चेंज भी हो सकते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, इसकी एम्पेयर भी नोट करवाऊंगा, सबसे जो बड़ी बात एम्पेयर्स की होती है, क्योंकि एम्पेयर्स के जो है ना जितने कम एम्पेयर का फ़ैन होगा उतना ही वो आपकी बैटरी की लाइफ को ज़्यादा जो है ना वो उसके लिए अच्छा होगा। जितने कम एम्पेयर कोई फ़ैन लेगा उतनी देर तक वो चलता रहेगा, उसका बैकअप टाइम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये जो मेरा फ़ैन है ये 2.5 एम्पेयर लेता है, 12 वोल्ट के ऊपर, 2.5 एम्पेयर के ऊपर ये ऑपरेट हो जाता है। और मैं आपको डिमर के साथ इसके भी एम्पेयर चेक करवाऊंगा कि डिमर के साथ इसके एम्पेयर कितने कम ज़्यादा होते हैं। चलें आए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, इसको पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। हमें देखा होगा इसमें से आवाज़ आ रही है और ये रुक के थोड़ा, ये बेयरिंग की वजह से होता है। ये इस वक्त फुल स्पीड पे ये चाह रहा है, अब मैं इसकी स्पीड कम करता हूँ, अब उससे भी कम, अब उससे भी कम, और ये बंद कर दिया। अब मैं आपको इसके एम्पेयर दिखाता हूँ, एम्पेयर ये भी फैन ऑफ है तो 1.5 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट्स, एक तो मेरे कमरे की लाइट जा रही है, दूसरा फ़ैन अभी ऑफ है, फ़ैन को अभी मैं ऑन करता हूँ फुल स्पीड पे, तो फिर इसके एम्पेयर नोट कीजिएगा आप।
1.5 एम्पेयर अभी ये ले रहा है, तो ये मैंने ऑन किया है फुल स्पीड पे, आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर ऊपर जा रहे हैं, एम्पेयर गेन हो रहे हैं। ये फुल स्पीड पे जा रहा है 4.3 4.2। वन पॉइंट फाइव पहले ले रहा था, लेकिन अब 4.2 4.3 4.5 कर लें, अब 1.5 और 4.5 तकरीबन 3 एम्पेयर ये कंज्यूम कर, 3 से कम ही है, लेकिन तुम 3 ही आप इसको कंसीडर कर लें, 3 एम्पेयर। अब मैं इसकी स्पीड कम करता हूँ, ये देखिए इसके एम्पेयर कम हो गए, इसकी स्पीड और कम करता हूँ, एम्पेयर और कम हो गए हैं, स्पीड और कम करता हूँ, एम्पेयर और कम हो गए हैं। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड कम करेंगे इसके एम्पेयर भी कम होते जाएंगे। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ये देखिए दोबारा 1.5 एम्पेयर, जो कि मेरे लाइट का लोड था। तो ये थे इसके एम्पेयर, 3 एम्पेयर से ये कम ही ले रहा था, पूरे 3 नहीं ले रहा था, तकरीबन 2.5 2.6 फुल स्पीड के ऊपर। डिमर भी मैंने इसका आपको दिखा दिया, तो मैं आपको बाकी चीज़ों का भी रिव्यू करवा दूंगा, कूलर वगैरह का, और जब जो इसके बाकी फ़ैन अवेलेबल होते हैं मार्केट में। लेकिन अभी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से सीलिंग फ़ैन ही थे। तो एंड पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो इसकी प्राइस, तो इसकी प्राइस की बात कर ली जाए, तो ये मुझे मार्केट से तकरीबन 2-2.5 माह पहले 3,000 का मिला था एक फ़ैन। वैसे तो 2,000-2,500 का भी मिल जाता है, लेकिन उसमें एक तो मोटर का फ़र्क होता है, उसके ब्लेड का फ़र्क होता है, उसके साइज़ का फ़र्क होता है, दूसरा उसकी क्वालिटी सबसे जो मैटर करती है वो क्वालिटी है। एक तो वो बेरिंग वाले नहीं होते, जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए बेरिंग है, क्योंकि इसके बेरिंग वगैरह रिप्लेस हो जाते हैं, जो कि एडवांटेज है हमारे लिए कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो वो रिपेयरेबल हो। इसके साथ मैंने 6 mm की वायर यूज़ किया है टोटल, फ़ैन से लेकर ये आप देख सकते हैं कंट्रोलर तक, इसके स्विचेस तक, और सोलर से भी नीचे जो है वो 6 mm की केबल्स आ रही हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ों का भी रिव्यू मैं आपको करवा दूंगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।